लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो इसलिए तुम एयर होस्टेस बनना चाहती हो? जी हाँ, मेरे सपनों को पूरा करने वाला मुझे ट्रेन और बस में तो नहीं मिल सकता। बड़ी बेबाक हो तुम। और मुंह फट भी। आपकी नजरें जहां है ना, वहां से हटा लीजिए, क्योंकि आप इस एकेडमी के एग्जीक्यूटिव हैं, किसी एयरलाइंस के मालिक नहीं। अगर मालिक होता तो अब तक आपकी गोद में बैठकर आपको पप्पी ले ली होती अंकल। तो ले लेता हूँ एयरलाइंस। पजामे का नाड़ा खोलते वक्त तेरे हाथ कांपते होंगे। और एयरलाइन खोलने की बात करता है बुढ़े। लड़की बहु संभाल कर बात कर, एकेडमी से निकाल दूंगा। तेरे सपनों का प्लेन जो है ना, यही क्रैश हो जाएगा, समझी? अबे ओ, अभी कुछ देर पहले जहाँ तेरी नजरें थी ना, वहाँ पर दो चार नाखून के निशान डाल दिए ना, कपड़े फाड़ के पुलिस स्टेशन में अगर तेरे खिलाफ मॉलेस्टेशन का केस डाल दिया ना, तो तू इस कुर्सी के बजाय जेल में होगा। बेटा मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो यूं ही सीरियस हो गई। मजाक है मजाक। कमाल हो यार तुम। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, उस दिन के बाद से बेटा बेटा बोलता फिरता है बुड्ढा साला। तो तू एक बात बता यार, अगर वो सच में किसी एयरलाइन का मालिक होता तो क्या तू वाकई उसके गोद में बैठ जाती? अपना ना फंडा बिल्कुल क्लियर है। अच्छा यस, ये जो मिडिल क्लास का लेबल है ना, वो फाड़ के फेंक देना मुझे। ओके यस। अच्छा, शादी वादी भी नहीं चाहिए मुझे। कोई भी करोड़पति बीवी से तंग आया हुआ चलेगा मुझे। वाह। यस। ओके, पास मी दैट ग्लास। श्योर। थैंक यू सो मच। गर्ल्स एक बात बताओ, तुम भी तो छोटे शहर से आए हो ना, छोटी मोटी जॉब करते हो, पेमेंट भी सही नहीं है पता है मुझे, फिर ये महंगे कपड़े जूते कैसे अफोर्ड कर लेते हो? लगता है इसे उनसे मिलवाना ही पड़ेगा। उनसे किससे? मलिक आंटी से बेबी। ये मलिक आंटी कौन है बेबी? पता लग जाएगा बेबी। यू गाइस डेगी। अच्छा दरवाजा खोल। माल आ गया। डाल ले अंदर, डाल ले। ले इसको अंदर। लीव मी। आ जाने दे। ले इसको अंदर। अच्छे से बिठा। छोड़ो। बिठा ले। छोड़ो मुझे। चल ला। चल चल जल्दी कर। निकल निकल। जल्दी कर। अब क्या? अपनी बहन को कहाँ लेके जा रहे हो? अशरफ! तुम मत पिया करो इतनी कि खुद की होश भी ना रहे। हाँ, आज तक मैं अपने बाप की भी नहीं सुनी। गेट लॉस्ट। हट। यू आर अ लकी बिच। I'm so jealous of you babes. But why? सच बताऊं, मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुझे हॉस्टल वो लड़का छोड़ने आया था जिसपे शहर की सारी लड़कियां मरती हैं।
तुम सब क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात पार्टी में क्या हुआ? यार इतनी भोली भी मत बनो के। यू रियली मीन टू से कि तुझे बिल्कुल याद नहीं है कल रात तुझे किसने ड्रॉप किया था हॉस्टल में? मुझे ना वाकई में कुछ याद नहीं है कल रात पार्टी में क्या हुआ था। चढ़ गई थी यार। ओके वैसे किसने? शिव कपूर ने छोड़ा था क्या? वो और उसके वो तीन दोस्त। डिस्गस्टिंग। हाँ बच गई मैडम, वरना MMS घूम रहे होते आपके। तो फिर किसने बचाया मुझे? राज ठाकुर ने। लोडेड है यार। वो करता क्या है? शहर में टैटू पार्लर है उसका। लोडेड है और टैटू पार्लर चलाता है? कमाल करते हो यार। मुझे तो लगा कोई करोड़पति होगा और मौका मेरे हाथ से चूक गया। कुछ नहीं हो सकता इसका। करोड़पति ही है, टैटू बनाना उसका पेशा नहीं शौक है, और वैसे भी सुना है बहुत पैसे वाला है। कई लड़कियां ट्राई कर चुकी हैं उस पे, पर वो कमीना है कि किसी के हाथ ही नहीं आता। एक्चुअली पाखी, ये लड़का ना बिल्कुल वही पैकेज डील है जैसा तुझे चाहिए। पर साले का दिल जीतना ना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए नहीं। कहाँ मिलेगा ये राज? वो रोज शाम अपने प्राइवेट लाउंज में गिटार बजाता है। पहले तो मुझे लगा कि तुम नॉर्मली नहीं हो। तो क्या मैं तुम्हें नॉर्मल लगता हूँ? नॉट दैट वे। क्या है ना, आजकल लड़कों के शौक कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। तो वी वो इग्नोरिंग मी, मुझे लगा कि तुम गे हो। मैडम, गे होना तो आजकल नॉर्मल हो गया है। अब नॉर्मल तो हम जैसे आशिक होते हैं जिनके लिए इश्क एक जुनून है। वाकई मेराज, तुम बिल्कुल अलग हो। वेरी डिफरेंट, वेरी हैंडसम, लोडेड विद मनी, म्यूजिशियन, सिंगर, आर्टिस्ट, टैटू मेकर, हाँ व्हाट नॉट। राज, तुम अगर चाहो ना तो तुम्हें हजारों लड़कियां मिल सकती हैं, हर दिन एक नई गर्लफ्रेंड बना सकते हो। देन एक बात पूछो। कि मैंने तुम्हें ही क्यों पसंद किया? यस। क्योंकि तुम मेरी ही नहीं किसी और की भी पसंद हो। व्हाट? किसकी? उसकी। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी, कहीं तुझे जमीन पर उतारा गया है मेरे लिए। सीरियसली? तुम पागल हो राज। पागल नहीं, दीवाना हूं तुम्हारा, और तुम्हारा यह दीवाना आज तुमसे कुछ कहना चाहता है। तो कहो ना राज। शादी करोगी हमारे साथ? What? मेरा मतलब मेरे और मेरे परिवार के साथ। Are you serious? सिर्फ 3 दिन हुए हमें मिले हुए और शादी? हाँ। ये घड़ी देख रहे हो पाकी? 3 लाख की है, 3 सेकंड में खरीदी मैंने। क्यों? दिल आ गया था मेरा, और जब भी मेरा किसी चीज पर दिल आ जाता है तो मैं एक पल का वक्त भी जाया नहीं करता। बोलो, शादी करोगे मुझसे? राज, इतनी बड़ी बात अचानक से, मुझे लगा कि... क्या लगा तुम्हें? कि कुछ दिन घूमोगी मेरे साथ, डेट पर जाओगी, सेक्स करोगी, शॉपिंग करोगी, गिफ्ट खरीदोगी, और फिर मन भर जाएगा तो कोई नया बॉयफ्रेंड? नो वे राज, तुम ऐसा कह कैसे सकते हो? मुझे तुम्हारे गिफ्ट पैसों से प्यार नहीं है। आई लव यू। तो फिर कर लो शादी।
got you. क्या ये? हाँ? यह नहीं, कहीं और चलते हैं। कहाँ? मेरे फार्म हाउस पे, सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अभी नहीं जा सकते। अगर 2 घंटे में वापस हॉस्टल नहीं पहुंची तो यू नो माय वार्डन। क्या कर लेगी तुम्हारी वार्डन? कुछ नहीं, बस मेरे डैड को कॉल, और मेरे डैड मुझे वापस बुला लेंगे। बहाने हैं ये सब। आई स्वेयर राज, कल चलते हैं ना। क्यों, कल तुम्हारे डैड को नहीं पता चलेगा? हाँ, वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, आई विल मैनेज एवरीथिंग।